महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आप भी उन लोगों में से एक इंसान हैं जो अपने किसी भी मिलने वाले, अपने किसी खास मित्र, अपने किसी खास रिश्तेदार, अपने भाई, इनमें से चाहे कोई भी आपको किसी भी कार्य के लिए कुछ कहे तो आप मना नहीं कर सकते। चाहे आपके पास में वो मदद, वो चीज़ हो या ना हो, आप कहीं से भी उसका इंतज़ाम करके उस मदद को, उस इंतज़ाम को पूरा करते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक क्वालिटी नहीं है जो कि है ना कहना। साथियों, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं इसको एक क्वालिटी कह रहा हूँ, क्योंकि हम अपना जीवन अभी कलयुग में जी रहे हैं और बहुत समय, बहुत सी बार ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है, ऐसा होता है और ऐसा उचित भी होता है कि हम किसी कार्य के लिए ना कहें। साथियों, बहुत सारे दर्शकों की एक जिज्ञासा थी, उन्होंने कमेंट्स के माध्यम से मुझे सूचित किया कि आचार्य जी, बैंक गारंटी किसे देनी चाहिए, किसे नहीं देनी चाहिए, इस पर एक एपिसोड ज़रूर बनाएं। तो रिसर्च में थोड़ा समय लग गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम, परंतु आज का ये एपिसोड उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना जो कि किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी के लोन के एवज़ में स्वयं बैंक गारंटर बनना चाहते हैं या उन्होंने किसी के लोन के लिए बैंक की गारंटी दी हुई है। क्योंकि आज जिस योग के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस योग वाले व्यक्ति को कभी भूल कर भी किसी भी प्रकार के, चाहे वो छोटे से छोटा मोटरसाइकिल का लोन हो या फिर करोड़ों रुपए के व्यवसाय का लोन क्यों ना हो, आपको हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेनी चाहिए, परंतु किसी की भी बैंक गारंटी नहीं देनी चाहिए। ये मेरा विश्लेषण है और ये कहना है ग्रहों की स्थितियों का। साथियों, इस पर हम चर्चा करें, इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, अपना कमेंट लिखने से पहले आप हैशटैग आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो कि आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है, जो इस एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके ज़रूर भेजिए। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे बैंक गारंटी की, और मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की ज़मानत, बैंक गारंटी के अतिरिक्त भी किसी भी प्रकार की ज़मानत, किसी भी प्रकार की मध्यस्थता इस व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। आप लोग अपनी कुंडलियाँ उठा लीजिए और मिलान करिए कि क्या इस प्रकार का योग आपकी जन्म पत्रिका में है। साथियों, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं, मैं उन उदाहरणों को बतलाकर मेरा और आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। समझदार व्यक्ति के लिए इशारा काफ़ी होता है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी रातों की नींद हराम हो जाए? यदि आप नहीं ऐसा चाहते तो इस एपिसोड को ध्यान से देखिए। यदि आपका कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा तो कम से कम रातों की नींद और दिन का चैन ज़रूर इस प्रकार की गारंटी देने से आपका छिन सकता है। किसी भी बैंक में, किसी भी न्यायालय में, किसी भी ट्रिब्यूनल में, किसी भी स्थान पर आपको गारंटी देने से मना ही करना है, अगर आपको अपना भविष्य बेहतर बनाना है तो। क्योंकि आप केवल देख पाते हैं वर्तमान को, परंतु मैं देख पाता हूं भविष्य को। साथियों, जिस योग की हम यहां पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें दो ग्रहों की स्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले है देव गुरु बृहस्पति और दूसरा है व्यापार का कारक बुध। यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरुदेव की कोई भी दृष्टि, गुरुदेव की तीन दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, यदि गुरुदेव
कहीं पर भी विराजमान होकर के अपनी पांचवीं, सातवीं या नौवीं दृष्टि से बुध को देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को गारंटर बनने से तौबा कर लेनी चाहिए। साथियों, बुध जो है वो व्यापार का तो कारक है ही, वो वचन देने का भी कारक है, परंतु ये जो स्थिति है ये आपके वचन को कभी पूरा नहीं होने देगी। अर्थात आप जितने भी वचन देते हैं वो किसी न किसी कारणवश, मजबूरी के चलते या और कोई कारण ले लीजिए, वो आप पूरे करने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस प्रकार की गारंटी आपको नहीं देना चाहिए। आइए साथियों, हम जन्म पत्रिका के माध्यम से इस स्थिति को थोड़ा और आसानी से समझने का प्रयास करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं जो कि बिल्कुल खाली जन्म पत्रिका है। ये किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका हो सकती है, किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका हो सकती है। अभी जैसे कि मैंने पहले चर्चा की, उसको हम एक उदाहरण के रूप में यहां पर समझ रहे हैं। गुरु की स्थिति कहीं भी हो सकती है, मैं यहां पर उदाहरण के रूप में लग्न में गुरुदेव को विराजमान करवा रहा हूं। अब यदि आप यहां से पांचवें, सातवें और नौवें स्थान की बात करते हैं, तो यहां पंचम भाव में, सप्तम भाव में या नवम भाव में, इन तीनों में से कहीं पर भी बुध देव यदि विराजमान है, तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों स्थानों पर गुरुदेव की सीधी और स्पष्ट दृष्टि पड़ रही है। यहां से आप गिन करके देख सकते हैं। ये वही स्थिति है जिसकी हमने चर्चा की, क्योंकि इस आदर्श स्थिति में गुरुदेव की स्पष्ट दृष्टि बुध पर पड़ रही है। अब गुरुदेव की जब भी स्थिति बुध पर पड़ती है, ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है। वो जहां पर किसी की मदद करने का प्रश्न उत्पन्न होता है, वो चाहते हुए भी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रख पाता, चाहे उसके पास में किसी प्रकार का साधन न हो, फिर भी वो उधार लेकर के भी मदद कर देता है व्यक्ति की। ऐसा जो व्यक्ति है वो कुलीन वर्ग में पैदा होता है, किसी भी प्रकार की उसको बचपन में कोई कमी नहीं होती है। हाँ, थोड़ा 20 से लेकर के 26 वर्ष की आयु का जो समय है वो उसके लिए संघर्षपूर्ण जरूर होता है। मिलनसार इतना होता है कि जिनसे एक बार मिल ले वो इनसे दोस्ती कर ही बैठता है। अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के इन लोगों का भाग्य उदय होता है, वाहन का सुख इनको बहुत जल्दी मिल जाता है और किसी न किसी कला के ये प्रेमी अवश्य होते हैं। और भाग्योदय की यदि बात करें तो वो 27वें वर्ष या उसके बाद में जबरदस्त ढंग से भाग्योदय होता है। परंतु साथियों, जैसे कि हमने पहले चर्चा की, कुंडली चाहे कितनी ही बेहतर हो, राजयोग कितने ही प्रबल हो, परंतु अपने विवेक का सही इस्तेमाल जो व्यक्ति नहीं करता, उसका साथ ना तो ईश्वर देते हैं ना ही भाग्य उसका साथ दे सकता है। इसलिए यदि बहुत अच्छी कुंडली भी हो परंतु इस प्रकार की सावधानियां न बरते, तो वो व्यक्ति स्वयं कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मारने जैसा ही होता है। तो यदि इस प्रकार की कोई स्थिति है तो मैं खुद आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप किसी प्रकार के गारंटी के चक्करों में न पड़े, सिवाय पछतावे के और कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। हमारा कार्य है आपको समय रहते सावधान करना। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है केतन छतबार जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बागासरा गुजरात से। केतन जी, आप लिखते हैं कि 24 वर्ष आप विदेश में रहे, वहां पर आपने कार्य किया परंतु उतनी सफलता नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए। अब आप अपने जन्म स्थान पर लौट आए हैं, तो आपको कब भाग्य उदय होगा और क्या यहां पर सफलता मिलेगी या नहीं? मुझे नहीं पता कि आपको किसने विदेश जाने की सलाह दी थी, क्योंकि आपकी कुंडली विदेश जाने के बिल्कुल काबिल नहीं थी। आपकी सफलता जन्म स्थान पर ही लिखी हुई थी, इसलिए आपने अपने महत्वपूर्ण 24 साल बाहर जाकर के बर्बाद की। खैर, देर आए दुरुस्त आए, जुलाई 2021 से आपकी सही दशा प्रारंभ हो रही है। आपको चाहिए कि आप नियमित रूप से पक्षियों को दाना डालें सुबह या संध्या काल, जब भी आपको समय मिलता है, और बहुत जल्दी आपका अच्छा समय आने वाला है। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न,
आज हमने चर्चा की बैंक गारंटी की, चर्चा की दो ग्रहों की बृहस्पति और बुध की। हमने बृहस्पति की तीन दृष्टियां बतलाई है, वो तीन दृष्टियां कौन कौन सी होती है, यही आपका उत्तर है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।